हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्रेलिक पेंट बोतल से कुछ नई चीज़ें बनाएंगे। देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हमने बनाई है। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सुंदर सी डब्बियाँ बनाई है और ये फ्रूट्स, इसको हम टूथपिक रखने में यूज कर सकते हैं, छोटी छोटी ज्वेलरी किसी को गिफ्ट करने के लिए दे सकते हैं। देखिए कितनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हमने बनाई है एक्रेलिक पेंट बोतल से, जिसको हम फेंक देते हैं, कुछ काम की नहीं आती है। हर वो चीज़ को हम यूज़ करके क्राफ्ट बना सकते हैं। चलिए इसमें से आज हम एक चीज़ बनाएंगे, वो वाला जो हम सिंदूर की डिब्बी बनाई है उसी को आज हम बनाएंगे इसमें से। तो चलिए पहले क्या करेंगे, एक्रेलिक बोतल को हम अच्छे से साफ़ करके हम ऐसे इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल को ऐसे चिपका लेंगे। अभी एक जगह पे वॉल पुट्टी लेंगे और उसमें थोड़ा पानी ऐड करके ऐसे डो बना लेंगे। अच्छे से डो को मिला के हम एक पॉली बैग में कवर करके रख लेंगे साइड में। अब इसके ऊपर ऐसे वॉल पुट्टी को लगाकर ऐसे पूरा फिनिशिंग देंगे, पूरा जैसे सिंदूर की डब्बियाँ होती है उसी तरह की हम बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह की। अब हमने ये बच्चों के खिलौनों से कुछ प्लेट लिया है, आप चाहो तो कार्डबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं। देखिए उसके ऊपर भी हमने वॉल पुट्टी लगा दी है। अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा डिजाइन करके ऐसे फ्लावर पेटल का करके थोड़ा थोड़ा डिजाइन हम ऐड करेंगे, इसी डिजाइन का पूरा बना देंगे। देखिए मैं जैसे बना रही हूँ, पेन की हेल्प से हम कुछ उसमें डिज़ाइन करेंगे। देखिए हम कैसे बना रहे हैं। अब नाइफ से भी कुछ पैटर्न ऐसे हम डिज़ाइन करेंगे। फिर से कुछ वॉल पुट्टी लेके उसको ड्रॉ करके ऐसे हम चिपकाएंगे बीच में। देखिए हमने कैसे यूज किया है। फिर छोटा छोटा बॉल करके उसको चारों तरफ इसको ऐसे चिपका लेंगे। ये बहुत इजी होता है और बहुत ही कम प्राइस में बन के रेडी हो जाती है, दिखने में बहुत सुंदर लगती है। देखिए इसके ऊपर भी मैंने पेन की हेल्प से मैंने ऐसे मार्किंग करके हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है। बीच में थोड़ा वॉल पुट्टी लगा के हम अभी अटैच करेंगे ऊपर वाले हिस्से को। देखिए ये अभी लग गया है। अब इसकी ढक्कन की बारी है, उसको हम डिज़ाइन करेंगे। इसको भी हम वॉल पुट्टी में कवर कर लेंगे अच्छे से। फिर ऐसे लंबे लंबे धागे की तरह बना के इसके चारों तरफ हम ऐसे लगा देंगे। उसमें कुछ डिज़ाइन कर देंगे जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगे और उभरा हुआ लगे। इसको भी एंटीक लुक देने के लिए हमें बहुत सारी डिज़ाइन इसके ऊपर भी बनाएंगे।
फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, मगर फिर भी बिल्कुल भी व्यू या सब्सक्राइबर नहीं होते हैं। कोई कोई होते हैं जो देख के अनदेखा कर जाते हैं। प्लीज़, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। और बताइए कि कैसा बन रहा है। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अब इसके निचले हिस्से में हम ऐसे वॉल पुट्टी को लगा देंगे, पूरा कवर कर लेंगे, जिससे कि प्लास्टिक बिल्कुल दिखे ना। आप ऐसे प्लास्टिक की जगह आप कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली बन जाएगा। ये डब्बी के ऊपर कुछ हम डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह की। कि अब ये बन के रेडी हो गया है, इसको सूखने देते हैं। अब सूख गया है, इसको हम अब सैंड पेपर से इसको अच्छे से घिस लेंगे और पूरा फिनिशिंग कर देंगे। इसके ऊपर से डस्ट निकाल के इसको पूरा हम ब्लैक कलर में कवर कर देंगे। ब्लैक कलर करने के बाद हम स्पंज से गोल्डन कलर में इसको पूरा चारों तरफ ऐसे शेडिंग कर लेंगे, तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड, इसी तरह हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं आगे जाके और भी दिखाऊं जो मैंने बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी सपोर्ट की, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।